Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in DC machine and transformer we have a lecture number 5, and the topics are classification of DC generator, permanent magnet DC generator, separately excited DC generator, self-excited DC generator. सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के तीन और टाइप्स हैं मजीद, सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर। फिर कंपाउंड वाउंड जनरेटर के मजीद दो टाइप्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो डीसी जनरेटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे देयर मैग्नेटिक फील्ड इज डिवेलप इन द स्टेटर ऑफ द मशीन। डीसी जनरेटर के जितने भी क्लासिफिकेशन हैं वो हमने उसके मैग्नेटाइज यानी उसकी जो मैग्नेटीसी उसके मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर के अंदर होता है उसकी बुनियाद पे हमने उसकी कुछ क्लासिफिकेशन की है। तो सबसे पहले है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइट डीसी जनरेटर एंड सेल्फ एक्साइट डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल फील्ड एक्साइटेशन बिकॉज इट हैज परमानेंट मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस द फ्लक्स। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में जो है उसको कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन फील्ड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अपने ही परमानेंट मैग्नेट होते हैं, उसके अंदर फिक्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में शो किए हुए हैं। तो इन इन परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से इसके स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटर की वजह से ये जो दरमियान में रूटर या आर्मेचर है ये उसके अंदर रोटेट करता है। दीज आर यूज्ड फॉर ए लो पावर एप्लीकेशन लाइक डायनेमो इन मोटरसाइकल्स। परमानेंट मैग्नेट के डीसी जनरेटर जो होते हैं इसको हम नॉर्मली लो पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें पावर जो है कम पावर की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल्स में जो डायनेमो लगी होती है। व्हेन द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सर्किट इज क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स देन इट इज नोन हैज ए परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। जिस डीसी जनरेटर में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से क्रिएट होता है, तो इस वजह से हम उसको परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्मेचर एंड वन ऑफ सेवरल परमानेंट मैग्नेट्स सिचुएटेड अराउंड द आर्मेचर। इसमें एक आर्मेचर लगा होता है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अलावा इसमें दो या दो से ज्यादा परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट इसलिए इसको कहते हैं कि उसकी नॉर्थ और साउथ जो होती है वो फिक्स होती है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है। नॉर्थ हमेशा नॉर्थ ही रहेगा और साउथ हमेशा साउथ ही रहता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर जनरेट डज नॉट जनरेट मच पावर। इसकी जो पावर जनरेशन है वो नॉर्मली बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से हम इसको लो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली जैसे कि हमें नाम से जाहिर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर रिक्वायर्स एक्सटर्नल फील्ड एक्साइटेशन टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक और एक्सटर्नल फील्ड एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है। वी कैन आल्सो वेरी द एक्साइटेशन टू गेट वेरिएबल आउटपुट पावर। अब जो है हम उसकी एक्साइटेशन को
कम या ज्यादा कर सकते हैं और उसी की निस्बत से हमारी आउटपुट भी फिर वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसी हमारी एक्सट्रैक्शन, अगर हम उसकी एक्सट्रैक्शन को कम करेंगे तो उसकी आउटपुट पावर भी कम होगी, और अगर हम उसकी एक्साइटेशन को ज़्यादा करेंगे तो उसकी आउटपुट पावर भी ज़्यादा होगी। दीज आर यूज इन इलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एप्लीकेशन। इसका जो इस्तेमाल होता है इन दो जगहों पर होता है। दीज आर द जनरेटर्स हुज फील्ड मैग्नेट्स आर एनर्जाइज्ड बाय द सम एक्सटर्नल डीसी सोर्स। यानी इसके जो मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जाइज्ड करने के लिए हमें एक्सटर्नल डीसी पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि उससे अलग हमें उसके लिए जो है ज़रूरत पड़ती है उसकी एक्साइटेशन या उसके मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए या उसको एनर्जाइज्ड करने के लिए, सच हैज ए बैटरी, जैसे कि हम बैटरी यूज़ करते हैं। सही है। द सर्किट डायग्राम ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा फील्ड है और यहाँ पे हमारा सेपरेटली सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है, यानी हमने यहाँ पे एक बैटरी इस्तेमाल की है। इस बैटरी के थ्रू हम इस फील्ड, इसके फील्ड मैग्नेट्स को हम एनर्जाइज करते हैं, और इसके एनर्जाइज करने से हमारा जो आर्मेचर होता है फिर वो क्या करता है, रोटेट करता है और फिर हमारे आगे लोड को वो चलाता है। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ड्यू टू द हेजिटल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द पोल्स ऑफ द स्टेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड वन इट्स स्टार्टेड। अब सेल्फ एक्साइटेशन में हमारा जो है उसकी जो एक्साइटेशन होती है उसकी बजाते खुद वो उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। दीज आर द सिंपल इन डायग्राम एंड नो नीड टू हैव एक्सटर्नल सर्किट टू वेरी द फील्ड एक्साइटेशन। दीज आर द सिंपल इन डिज़ाइन, यानी हमारे सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं वो सिंपल डिज़ाइन के होते हैं, और उसको हमें एक्सटर्नल सर्किट उसकी फील्ड एक्साइटेशन के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दीज आर यूज एप्लीकेशन लाइक बैटरी चेन चार्जिंग वेल्डिंग ऑर्डनरी लाइटिंग एप्लीकेशन। इसको हम नॉर्मली इन जगह पर यूज़ करते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैन फर्दर बी डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ देयर फील्ड कॉइल, यानी उसके फील्ड कॉइल की पोजीशन की वजह से उसके हमने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के हमने मजीद उसको क्लासिफाइड किया है। एंड दीज क्लासिफिकेशन आर थ्री टाइप्स, सीरीज वाउंड, शंट वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले सीरीज वाउंड जनरेटर, यानी सीरीज वाउंड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर कंडक्टर्स। अब सीरियस, जैसे कि हमारे नाम से जाहिर है, हमारा सीरियस वोन जनरेटर में हमारा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के सीरीज में लगे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा आर्मेचर है और इसके साथ ही हमारा यहाँ पे सीरियस वाइंडिंग है या सीरियस फील्ड है, तो इसी वजह से हम इसको सीरियस वोन जनरेटर कहते हैं। ठीक है, होल करंट फ्लो थ्रू द फील्ड कॉइल हैज वेल हैज द नोट। जितना हमारा जो है करंट इसमें फ्लो करता है फील्ड कॉइल में, उतना ही हमारा सारा का सारा जो करंट है वो हमारे लोड में से ही गुजरता है। सीरियस फील्ड वाइंडिंग कैरीज फुल लोड करंट, इट इज डिजाइंड विद ए रिलेटिवली फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर्स। हमारे सीरियस वाइंड में यहाँ पे जो हम देख सकते हैं उसकी वाइंडिंग जो होती है फुल लोड होती है, और इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें जो टर्न्स की तादाद होती है वो नॉर्मली कम होती है, लेकिन इसमें जो कंडक्टर का जो डाया होता है या उसकी थिकनेस होती है वो नॉर्मली मोटी होती है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीरियस वाउंड रेजिस्टर इज देयर फॉर वेरी लो, और इसी वजह से जो है हमारा हमें पता है कि हमारे थिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होती है और थिन कंडक्टर में हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। सो इसलिए हमारा जो है सीरियस वाउंड जनरेटर की जो रेजिस्टेंस होती है फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वो काफ़ी कम होती है। यहाँ पे जो है
नॉर्मली नियरली इसने एक दिखाया है कि नॉर्मली हमारा 0.5 ओम इसकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये है हमारा सीरीज वाउंड जनरेटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है शंट वाउंड डीसी जनरेटर। इन दीज टाइप ऑफ डीसी जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद द आर्मेचर कंडक्टर हैज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें हमारा आर्मेचर है और इस आर्मेचर के पैरेलल में हमें एक फील्ड कनेक्ट की हुई है जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल में लगी हुई है। तो पैरेलल होने की वजह से इसको जो है यहाँ पे शंट फील्ड कहते हैं और उसको सीरियस फील्ड कहते हैं। ठीक है, सही है। इन शंट वाउंड जनरेटर द वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। अब हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो अक्रॉस द टर्मिनल एंड अक्रॉस द शंट वाउंड जनरेटर हैज शुड बी सेम। हेयर आर्मेचर करंट आई ए इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट, वन इज शंट फील्ड करंट आई एस एंड अनदर इज लोड करंट आई एल। अब यहाँ पे हमारे वोल्टेज जो होते हैं वो तो अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग या जिसको हम कहते हैं कि शंट फील्ड या आर्मेचर जो है उसके अक्रॉस हमारे जो वोल्टेज होंगे वो या अक्रॉस द टर्मिनल वो सेम होंगे, लेकिन हमारा जो करंट होगा वो डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ पाथ जो है दो है। यहाँ पे करंट गुजरने के रास्ते दो हैं, पैरेलल में करंट गुजारने के रास्ते दो या दो से ज्यादा होते हैं। सो दैट्स व्हाई आवर करंट आई ए इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज आई एस जो कि हमारा शंट फील्ड से ये करंट गुजरेगा और एक हमारा होगा आई एल जो कि हमारे लोड से गुजरेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। इन ए सीरीज वाउंड जनरेटर द आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द लोड करंट। अब जो है कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को इसलिए बनाया गया, सीरियस वाउंड में जो खसूसियत थी और शंट में जो खसूसियत थी उन दो खसूसियत को मिला के उन्होंने कंपाउंड वाउंड जनरेटर बनाया जिसमें सीरियस और शंट जो है दोनों को मिलाया है। अब सीरियस में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे कि उसको हम जो है लो उसके लिए जो है उसमें जो है उसका हम उसको ज़्यादा हाई लोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे और उसके अलावा हमारा शंट में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उन दोनों की ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए उन्होंने दोनों को मिला के एक कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर बनाया। अब यहाँ पे जो है हमारा सीरीज में जो होता है हमारा लोड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज होता है। उसके बाद इन द शंट वाउंड जनरेटर द आउटपुट वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द लोड करंट, और हमारा शंट जो होता है उसकी जो करंट होती है फॉर आउटपुट वोल्टेज की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ए कम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ जनरेटर कैन ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ। अब इन दोनों खामियों को या इस दोनों डिसएडवांटेजेस की नुकसानात को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है इन दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, दिस कम्बिनेशन ऑफ वाइंडिंग इज कॉल्ड कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर हैव बोथ सीरियस फील्ड वाइंडिंग एंड द शंट फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके बनाया है तो ऑफकोर्स इसमें दोनों वाइंडिंग सीरियस फील्ड वाइंडिंग भी होगी और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी। वन वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन ए सीरीज विद द आर्मेचर, अगर आर्मेचर की सीरीज में रखी है तो वो तो सीरियस फील्ड वाइंडिंग होगी एंड द अदर इज प्लेस्ड इन द पैरेलल विद द आर्मेचर, और दूसरी जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में जो है लगा दी जाती है। दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर मे बी ऑफ ए टू टाइप्स। अब कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को उन्होंने मजीद दो टाइप्स में क्या किया है, अब जो है डीसी कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को उन्होंने मजीद दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया है। एक है शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर और दूसरा है लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है, तो अब हम जो है शॉर्ट
shunt compound wound DC generator. Short shunt compound wound DC generator are generators where only the shunt field winding is in the parallel with the armature field या armature winding. ठीक है, अब जो है short मतलब यहाँ पे ये short इसका नाम है कि मतलब ये हमारा जो shunt field winding है वो सिर्फ armature winding के parallel में लगा होता है. ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे शॉर्ट हुआ पड़ा है, दैट्स व्हाई दे आर शॉर्ट. उसके बाद हमारा लॉन्ग जो है, लॉन्ग में हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है, वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में गया लगा होता है. सो दैट्स व्हाई दे आर लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, जिसमें हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो हमारे सीरीज फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में लगा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा IS जो कि हमारा शंट फील्ड करंट है, ये हमारा जो है सीरीज करंट है, ये हमारा आर्मेचर करंट है, ये हमारा लोड करंट है. ठीक है, सो दैट्स ऑल. अच्छा, इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर हो वो आपको समझ आ गई होगी. फिर भी अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.